हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज हम देखेंगे आपके जो पार्टनर्स हैं वो आपके लिए उनके करंट इमोशंस, करंट फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है। जिनका नो कॉन्टैक्ट है, लीस्ट कॉन्टैक्ट है, ब्रेकअप सिचुएशन है, सेपरेशन है, आप लोगों के लिए रीडिंग ओपन है बिकॉज बहुत से लोगों का यही सिचुएशन है। बट अगर आप लोग करंटली डील कर रहे हो तो भी आप देख सकते हो सकता है आपसे कुछ ना कुछ मैच कर जाए, ठीक है। सो गाइज, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल, फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस है गाइज, जब भी देखो भी रेजोनेट करेगा, जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दें। चैनल पे न्यू है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए मेरे ईमेल पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ईमेल आपको इंस्टाग्राम और इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रीडिंग लेके आती रहूँगी। सो देखते हैं थॉट्स, ये भी देखूंगी मैं कि सोच क्या रहे हैं आपके पर्सन ना, आपके लिए उनके करंट थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स क्या हैं, तो देखते हैं, लेट्स सी। अपने पर्सन पे फोकस रखिए गाइस, जिसके लिए भी आप लोग रीडिंग को देख रहे हैं। देखते हैं करंटली आपके जो पर्सन है वो आपके लिए कैसा सोच रहे हैं। सो फर्स्ट वी हैव नंबर टू स्पिरिचुअल यूनियन, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो नंबर टू इंपॉर्टेंट है। एंड देन वी हैव नंबर थ्री सोलर प्लेक्सस चक्रा। 23-32 इस पर्सन की एज हो सकती है, आपकी एज हो सकती है। देन वी हैव नंबर थ्री, अगेन थ्री है, डबल थ्री, मतलब 33 भी एज हो सकती है आपके पर्सन की। थ्री नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, टू नंबर इंपॉर्टेंट है, एंड रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। एंड बॉटम ऑफ द रैक है नंबर 20 ट्रुथ। सो गाइस, 22 भी इस पर्सन की एज हो सकती है, 20 हो सकती है, 20 प्लस है ये पर्सन, 30 प्लस हो सकता है, ठीक है। सो सैगिटेरियस है यहाँ पे, सैगिटेरियस इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, ये दो स्टार साइन अभी तक नज़र आ रहे हैं। तो आपके जो पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो वो आपके लिए करंटली क्या सोच रहे हैं। डेफिनेटली गाइस, ये पर्सन आपसे मीटिंग करना चाहता है, ये पर्सन आपको, आपसे यूनियन करने के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज डेफिनेटली सोलमेट कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, एंड ये पर्सन आपको डेट करना चाहता है। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोगों का सेम जेंडर रिलेशनशिप भी हो सकता है, बट अगर ब्रेकअप भी हो चुका है तो ये पर्सन दोबारा से आपके साथ रिलेशनशिप करना चाहता है। दे वांट टू स्पेंड टाइम विद यू, एंड ये पर्सन आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी लग रहा है मुझे। और ये कनेक्शन कुछ ऐसा हो सकता है लाइक या तो था पास्ट में, या ये पर्सन सोच रहा है फ्रेंड विद बेनिफिट्स टाइप कनेक्शन, यू नो, अगर आप समझते हैं इस बात को। तो ये पर्सन ऐसा कनेक्शन आपके साथ बनाने के बारे में सोच रहा है। डेफिनेटली ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ फ्रेंडशिप दोबारा करें, आपके साथ रिलेशनशिप दोबारा से क्रिएट करें, बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा पसंद करता है, बहुत प्यार करता है ये पर्सन। और आई फील लाइक अगर इस पर्सन ने आपको कभी अपनी फीलिंग्स नहीं बताई कि ये क्या आपके लिए फ़ील करता है, तो ये उसको बताने का आपको सोच रहा है, बिकॉज़ यहाँ पर ट्रूथ है। डेफिनेटली कोई ना कोई बात तो ऐसी है, किस तरह का सच्चाई है जो आपके सामने आएगी इस पर्सन की तरफ से, बिकॉज़ ये बताना चाहते हैं आपको। 24 एज भी हो सकती है, 30 एम्परर की एनर्जी है। डेफिनेटली गाइज, ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव है, काफ़ी लीडरशिप क्वालिटी है इस पर्सन में, यू नो, काफ़ी एंग्री भी ये पर्सन हो सकता है। बट आई फील है कि पर्सन बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी है, ठीक है। एरी स्टार साइन हो सकता है इस पर्सन का, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट आपको बात, सच्चाई कोई बताना चाहता है जो अगर अभी तक नहीं बताई, उसके लिए ये पर्सन सोलर प्लेक्सस चक्रा, डेफिनेटली ये पर्सन जो है उस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट हो रहा है, अपने आप में इतनी पावर और स्ट्रेंथ लेके आ रहा है ताकि ये आपको सच बता सके। क्योंकि सोच रहे हैं ना, हम सोचना देख रहे हैं कि क्या थॉट्स है, सोच रहा है आपको बताने का कि ये पर्सन आपसे कितना प्यार करता है, आपके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करता है। सो दैट्स वाई उस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहता है, यूनियन करना चाहता है, आपसे मिलके बात करना चाहता है, आपसे बात करना, आपके साथ बैठना, आपकी कंपनी इंजॉय करना ये पर्सन को काफ़ी अच्छा लगता है। तो उस चीज़ के बारे में ये पर्सन सोच रहा है, बिल्ड करना चाहता है इन सब चीज़ों को, और किसी तरह की सच्चाई है जो ये आपको बताना चाहता है, ठीक है। या तो चलिए मज़ीद देखते हैं क्या इमोशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की आप लोगों के लिए करंटली इस टाइम, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं जो आपके लिए फील कर रहे हैं। बट मोस्टली आई फील है कि पर्सन आपका फ्रेंड है। द फूल, एक्वेरियस, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, द डेविल, कैप्रिकॉर्न। करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस मेरे व्यूवर्स की, पार्टनर्स की क्या हैं, उनके कैसा फील कर रहे हैं। देन वी हैव गाइस, टेम्परेंस, सैगिटेरियस,
बॉटम ऑफ द रखा है हेरोफेंट, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड। टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इस पर्सन की एज 24, 25, 22, 30, 26, 36 ये हो सकती है, ठीक है। सो करंटली आपके पर्सन इस टाइम आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। सो गाइज, यहाँ पे डेफिनेटली ये पर्सन की जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा, इस पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो सेक्चुअली अट्रैक्टेड है डेफिनेटली। या तो ये पर्सन आपके साथ फिजिकल होना चाहता है, या ये हुआ है कभी आप लोगों के साथ, बट ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है गाइज। या डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है आप लोगों की तरफ, आप लोग इस पर्सन को काफ़ी अच्छे लगते हो, आप लोग इसमें एक आग को यू नो, आपको देख के इस पर्सन की अंदर एक फ्लेम टर्न ऑन हो जाती है। या सो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके साथ लाइफ को एंजॉय करना चाहता है गाइस, ठीक है। अगर किसी तरह का सोसाइटी का, कास्ट कल्चर का आपका डिफरेंस है, या आप लोग सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो बट जो सोसाइटी है वो एक्सेप्ट नहीं करती इन चीज़ों को, तो ये पर्सन उस चीज़ की परवाह किए बिना आप लोगों के साथ जो है एक होना चाहता है, ठीक है। बट इस टाइम इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखा हुआ है, ये पर्सन खुद को हील करना चाहता है, बिकॉज डेफिनेटली आई फील लाइक ये पर्सन थोड़ा सा बहुत ना थोड़ा सा इनडिसाइसिव है, लाइक फैसला करना चाहता है किसी चीज़ को लेके बट कर नहीं पा रहा। या तो लोग इसको किसी तरह की बातें दिखाना शुरू कर देते हैं जो ये नहीं देखना चाहता, या किस तरह की सच्चाई दिखाना शुरू कर देते हैं जो ये पर्सन नहीं देखना चाहता, ठीक है। तो ये पर्सन चाहता है जैसा ये चाहे वैसा कर सके, अगर सेम जेंडर यहाँ पे कनेक्शन है, या आप लोग शायद यू नो आप लोग लेस्बियन हो सकते हो, या फिर आप लोग गे हो सकते हो, या फिर ये सिचुएशन हो सकती है जिसको लेके ये पर्सन को पता है सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, या उस पर्सन के अपने घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस चीज़ को। आज की डेटिंग बहुत ज़्यादा किसी और लेवल पे ही जा रही है, बट मुझे नज़र आ रहा है, मुझे गाइज आपको बताना तो है, कुछ लोग हो सकता है इस सिचुएशन में हो, आई एम नॉट श्योर, बट आई फील लाइक यहाँ पे एनर्जी आई तो डेफिनेटली ऐसा कुछ है। सो गाइस, ये पर्सन डेफिनेटली चाहे आप किसी भी कनेक्शन में हो ना, किसी तरह का भी नॉर्मल कनेक्शन भी है लड़का लड़की का, तो ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहता, बट ज़िद्दी ये पर्सन है, स्टबोर्न ये पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा है, एरोगेंट हो सकता है, प्राउड हो सकता है इस पर्सन को किसी चीज़ का, जिसकी वजह से ये पर्सन खुद को कंट्रोल कर रहा है, जबकि आपके साथ कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल फील करता है, एंड ये पर्सन आपसे शादी भी करना चाहता है, बट ज़िद्द की वजह से ना ये रुका हुआ है, क्योंकि ज़िद्दी बहुत ज़्यादा है ये पर्सन। सो उस चीज़ के लिए इसको हीलिंग की ज़रूरत है, ये पर्सन अपने आप को कॉन्फिडेंस लेवल में लेके आ रहा है, सोच रहा है उस चीज़ को, ताकि आपके लिए आगे स्टेप ले सके। बस फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास फूल का है, डेफिनेटली पर्सन एक फ्री स्पिरिट है और आपके लिए रिस्क लेना चाहता है, इस पर्सन को रिस्की काम करना या रिस्क लेना काफ़ी पसंद है, ठीक है, क्योंकि ये मैस्कुलिन पर्सन है, यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है, दैट्स व्हाई, ठीक है। सो यहाँ पे ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है डेफिनेटली, ये पर्सन ट्रैवल करके आप लोगों की तरफ आ सकता है आपसे शादी करने, बट ये पर्सन आई फील लाइक यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा अपनी सोसाइटी में इसका नाम हो सकता है, इसका स्टेटस हो सकता है, ये वो पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, टीचर हो सकता है, किसी तरह का गुरु, किसी तरह का मेंटोर हो सकता है। अपनी रेपुटेशन का इस पर्सन को इतना ज़्यादा आई डोंट थिंक सो कोई ख्याल है, हालांकि है स्टेटस पे, बट ये जिस सिचुएशन के इधर कार्ड आए हैं ना, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इस पर्सन का कोई स्टेटस है भी, तो इसको अपनी कोई इस चीज़ की परवाह है, ठीक है ना, क्योंकि इस पर्सन को अपनी जो ये चाहता है अपनी लाइफ को अपने मुताबिक गुजारना, ये वो भी चाहता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज है, बट उस चीज़ के लिए इसने पेशेंस रखा हुआ है कि चीज़ें जो हैं एक अच्छे जो है ना तरह से जो है ओपन अप हो, या अच्छे लेवल पे जब आ लें, थोड़ा सा स्टेबल हो जाए सिचुएशन, या जिस तरह का भी इस टाइम ये इम्बेलेंस सिचुएशन में है, इनडिसाइसिव सिचुएशन में है, फिर ये पर्सन आगे एक्शन को लेगा, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल भी पोजेसिव काफ़ी ज़्यादा है ये पर्सन आपको लेके, नो डाउट, फोर ऑफ पेंटिकल्स हैं, यहाँ पे द डेविल है, डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन है इस पर्सन को आपका, बट हो सकता है शो ना करता हो,
कुछ लोगों के कनेक्शन में ये सिचुएशन है गाइस कि ये पर्सन और आपका एज डिफरेंस हो सकता है, ये पर्सन आपका गुरु टीचर कोई हो सकता है, बट सिर्फ और सिर्फ इसकी इंटेंशन, इसकी फीलिंग आपके साथ फिजिकल होने की है, इंटीमेसी बस ये इसीलिए फील कर रहा है, फिजिकल होने से ज़्यादा कुछ नहीं ये पर्सन चाहता कुछ लोगों के कनेक्शन में, सबकी बात नहीं कर रही। चलिए हम मज़ीद देखते हैं कि और क्या फील कर रहा है ये पर्सन आप लोगों के लिए, जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो। नेक्स्ट है गाइस हैव फेथ, इस पर्सन ने स्टिल फेथ रखा हुआ है। किस तरह का सोसाइटी कास्ट कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, ये ऑलरेडी टोल्ड यू, कोई क्रिश्चियन हो सकता है, कोई मुस्लिम हो सकता है, इस तरह का आपका डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे ना प्लस का निशान है डेफिनेटली, बट आप लोगों के जो रिलीजियन है वो डिफरेंट हो सकता है, बट इस पर्सन को स्टिल फेथ है चीज़ें बेटर होंगी। ठीक है, अगर लड़की हो आप या ये किसी लड़की के लिए आप लोग देख रहे हो तो डेफिनेटली वो लड़की काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी खूबसूरत है। फिनिक्स राइजिंग, यस ये पर्सन चाहता है कि किस तरह का मैजिक हो। अगेन यहाँ पे 32 की एनर्जी है, 32 आपके लिए नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर इंपॉर्टेंट है, 22 नंबर इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर इंपॉर्टेंट है। सो ये किस तरह का मैजिक चाहता है ये पर्सन, क्योंकि ये अपनी फेवर में चीज़ों को टर्न करना चाहता है, दैट्स वाई। सो एकदम से ही चीज़ें जो है ना चेंज होंगी यहाँ पर, बट यहाँ पर पेशेंस इसने जिस तरह रखा हुआ ना, बड़ी मुश्किल से पेशेंस रखा हुआ है इसने। देन वी हैव करेज नंबर 30, 30 नंबर इम्पॉर्टेंट है, डेट ऑफ बर्थ या फिर इस पर्सन की एज, आपकी एज हो सकती है। इस पर्सन को स्टिल गाइज काफ़ी ज़्यादा करेज है, ये अपने आप को पावरफुल कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और किस तरह की भी डार्कनेस है तो वहाँ से एक रास्ता देखने की कोशिश कर रहा है, ताकि आप लोगों के साथ आगे कनेक्शन को लेके जा सके। ठीक है, बट फेथ है इस पर्सन को, ये पर्सन जो भी है, बॉटम ऑफ द डेक है सैडनेस, बट ये पर्सन सैड भी है। आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट है, बात नहीं हो रही, सेपरेशन है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है। किस तरह का कन्फ्लिक्ट चला है आपका, उसको लेके काफ़ी ज़्यादा सैड है। सो दैट्स वाई ये पर्सन चेंज करना चाहता है। ये भी 5 की एनर्जी है, ये भी 5 की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये पर्सन सिचुएशन को चेंज करना चाहता है, जो भी कन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करना चाहता है। ठीक है, इंट्रैपमेंट डेफिनेटली यहाँ पर किस चीज़ों की, मतलब कोई चीज़ें हैं ऐसी जो कि आपके इस कनेक्शन को स्टॉप कर रही हैं, या तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, यहाँ पे कोई मैनिपुलेटर है, या इस पर्सन का खुद इतना स्टेटस है कि ये अभी कुछ नहीं कर पा रहा। तो चलिए कुछ और मैं देखूँगी कि क्या फीलिंग्स हैं इस पर्सन की आप लोगों के लिए। ट्रस्ट, या ट्रस्ट की बात बहुत ज़्यादा हो रही है, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, एंजल्स पे ट्रस्ट है, क्योंकि एंजल्स आपकी रीडिंग में है, टेम्परेंस यहाँ पर ट्रस्ट में भी पता चल रहा है, एंजल्स हैं आपके इस रीडिंग में। सो डेफिनेटली इस पर्सन को ट्रस्ट है, पूरा फेथ है कि चीज़ें इस पर्सन की फेवर में ज़रूर होंगी, बट उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा और इस पर्सन को हील होना पड़ेगा। ये खुद हीलर हो सकता है, मेडिटेटर हो सकता है, योगा मास्टर हो सकता है, गार्डियन एंजल, यस इस पर्सन को एंजल गाइड कर रहे हैं, और ये पर्सन चाहता भी है कि इसको एंजल की गाइडेंस मिले। ठीक है, सैड है ये पर्सन, बट एंजल्स इस पर्सन के साथ हैं, इनविजिबल हैं, नज़र नहीं आते, बट इस पर्सन के साथ हैं, प्रेजेंस है एंजल्स की। देन वी हैव हीलिंग, यस इस पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है, आप भी इस पर्सन को हील कर सकते हो, आप दोनों आई फील लाइक इस एक दूसरे को हील करोगे गाइस। स्पिरिचुअल कनेक्शन है यहाँ पे, सोलमेट हो सकते हो आप दोनों एक दूसरे के, कुछ लोग यहाँ पे कार्मिक सोलमेट हैं कि डेफिनेटली आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कार्मा लेना है, उसके बाद ही कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। रिट्रीट, ये पर्सन दोबारा से आपको ट्रीट करना चाहता है अच्छे से, पास्ट में नहीं कर पाया बट अब करना चाहता है, बट यहाँ पे हीलिंग की बात हो रही है, हीलिंग की ज़रूरत है, या तो ये पर्सन हील हो रहा है, नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस भी है और हीलिंग भी है, डेफिनेटली इस पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है। या तो आप लोगों का कोई स्टेटस में ऐसा मतलब सोसाइटी में ऐसा स्टेटस है, आप लोग खुद हीलर हो सकते हो, ये पर्सन हीलर नहीं है, कुछ लोगों के कनेक्शन में ये पर्सन खुद हीलर है और आप दोनों मिलके आपके साथ खुद को और आपको हील करना चाहता है, और अदरवाइज़ ऐसा नहीं है तो ये पर्सन आपको हीलर देखता है कि आप लोग हीलर हो सकते हो, आप टीचर हो सकते हो, योगा मास्टर हो सकते हो। ठीक है, सो ये चाहता है आप इस पर्सन को हील करो और इसको लगता है कि आपके साथ ही इसको हीलिंग मिलेगी। ठीक है, बट मैं लास्ट में यहाँ से भी देखना चाहूँगी काफ़ी टाइम के बाद कि आपके आगे मजीद कनेक्शन में मतलब क्या आ रहा है, काफ़ी टाइम से बहुत अर्सा हो गया मैंने यहाँ से ये नहीं देखा, सो आई वॉन्ट टू सी। ओके, सो
सो लेट्स सी कि क्या आ रहा है मजीद आपके इस कनेक्शन में। लव प्रपोजल, यस आपकी लाइफ में लव प्रपोजल आ रहा है, इस पर्सन की तरफ से आपको प्रपोजल दे सकता है। देन वी हैव कमिटमेंट, यस कमिटमेंट मिल सकती है गाइज आप लोगों को। सरप्राइज आएगा आप लोगों के लिए इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। गुड न्यूज़, या गुड न्यूज़ मिल सकती है डेफिनेटली। काफ़ी ज़्यादा आप लोग पेशेंस रखा हुआ है आपने, और आई फील लाइक आपने काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखा भी है इस कनेक्शन में बड़ी मुश्किल से, और काफ़ी मेरी एनर्जी आप मुझे फील हो रही है लो। सो या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना लो इसकी एनर्जी है, किस तरह का ट्रुथ है जो आपको बताना चाहता है, बट आज की डेट में बहुत ज़्यादा चेंज है, हट के बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपसे रेजोनेट की हो, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो कि किससे रेजोनेट हुई है ये रीडिंग, ठीक है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।